गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारा रीजन चल रहा है यूनिट नंबर 5, ठीक है बेटा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बेटा आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन अपने आप अपने नोट्स से बना रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, उसके डिपेंड पे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन बुक से हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं। आंसर आपको टोटल बुक क्वेश्चन के बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट इज द रिलेटेड ऑफ द स्मूथ एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। मोटर डेवलपमेंट रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बोन मसल्स एंड एबिलिटी ऑफ द मूव अराउंड ऑफ द मल्टीपल देयर आर इन्वायरमेंट। यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो स्मूथ होता है और कोऑर्डिनेशन होता है मूवमेंट का होता है, जो चाइल्ड में होता है बोन और मसल्स और एबिलिटी इनका मूव अराउंड चारों तरफ मूव करने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि घूम जो चलत होती है, इन प्रोवाइड ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द एक्शन ऑफ इंजॉयफुल मोमेंट। यानी कि जो पूरी इंजॉयफुल मोमेंट होती है बॉडी के अंदर, वही मोटर डेवलपमेंट होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है चिल्ड्रन के लिए। मोटर डेवलपमेंट इज द डिवाइड इंटू टू पार्ट्स। मोटर डेवलपमेंट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ये बिग बोन के लिए होता है, बिग मसल्स के लिए होता है, और फाइन डेवलपमेंट स्मूथ मसल्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट मोटर डेवलपमेंट एक्सरसाइज इन लेटर चाइल्डहुड स्टेज। यानी कि लेटर चाइल्डहुड उसके लिए कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ होती है वो कौन सी होती है मोटर डेवलपमेंट में। स्टेट मोटर डेवलपमेंट एक्सरसाइज इन चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी ईयर का होता है, 7 to 12 ईयर होता है। इन द स्टेज ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म। यानी कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट चाइल्ड में एक्टिविटीज परफॉर्मेंस करता है। एक्टिविटीज ऑफ लेटर चाइल्डहुड, द एक्टिविटीज लाइक योगा आसन जिमनास्टिक एथलेटिक्स स्विमिंग आर गुड स्पोर्ट एक्टिविटीज फॉर द एज ग्रुप। बॉल गेम लाइक फुटबॉल बास्केटबॉल हैंडबॉल वॉलीबॉल ETC और हेल्पफुल रैकेट गेम लाइक बैडमिंटन टेबल टेनिस लॉन टेनिस आल्सो हेल्प ऑफ डेवलप ऑफ मोटर डेवलपमेंट स्किल्स। एक्सरसाइज ऑफ द रिदमिक एक्सरसाइज आल्सो मोटर डेवलपमेंट अलॉन विद द फिजिकल फिटनेस एंड टीम वर्क, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा आता है, स्टेज 6 फैक्टर्स इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो फैक्टर्स डालती है कि जिस प्रकार से डेवलप ना हो सके। स्टेट 6 एक्सेस फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट।
मोटर डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेज ऐसे होते हैं जो फैक्टर्स डालती हैं? सबसे पहले आता है उसका हेरिडिटी, यानी कि चाइल्ड में जो हेरिडिटी होती है वो सबसे फर्स्ट पे आता है। दूसरा होता है न्यूट्रेट, न्यूट्रेट किस प्रकार से होता है। तीसरा एनवायरनमेंट, साइकोलॉजी और डिसेबिलिटी, रेगुलर प्रैक्टिस, बॉडी वेट, ये फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं चाइल्ड हुड के ऊपर, ठीक है, यानी मोटर डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन गुड पोस्चर। डिफाइन गुड पोस्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एजुकेशन, पोस्चर इज ए टोटल मैकेनिकल इफिशेंसी ऑफ द बॉडी विच आर द कॉसेस मिनिमम स्ट्रेस टू मसल्स, मेबल मसल्स। आउटपुट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी कैन बी अटेन, ए गुड पोस्चर हेल्प ऑफ द बॉडी फंक्शन इफेक्टली एंड इफेक्टली। गुड पोस्चर आर रिलेटेड ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इन इंडिविजुअल, करेक्ट ऑफ गुड पोस्चर इज ए पर्सन ऑफ रेफर बॉडी हेल्प विदाउट एनी स्ट्रेस एंड इफेक्ट। पोस्चर आर द डिफरेंट हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, इन करेक्ट पोस्चर इज द वेरियस organs of the body get rest and body does not get early tired and person remain of the should healthy. Good posture keep our bone in their natural shape in the proper ligaments, यानी कि जो proper ligaments होते हैं, हमारा body posture होता है, हमारे personality होती है, उससे हमारे good posture का पता चलता है। Next question है, डिस्क्राइब करेक्ट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर, या फिर इसका क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय करेक्ट पोस्चर, एक्सप्लेन द करेक्ट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब करेक्ट स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोस्चर। ठीक है, यहां पर स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर के बारे में बताना है। सिटिंग, सबसे पहले स्टैंडिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर पार्ट ऑफ द 4 to 6 inches regular shoulder width, feet should be perfectly of the each other of the balance early of the both feet, यानी कि जो बैलेंस होता है वो दोनों फिट के ऊपर होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, शोल्डर हमारे सीधे होने चाहिए, ठीक है। वन शुड स्टैंड स्टेयर्स ऑफ द करेक्ट, दिस इज द हैंड्स स्टेयर्स स्टेट नियर योर हिप्स, यानी कि हिप्स के बराबर में हाथ सीधी होने चाहिए, फ्लोर शोल्डर हिप्स एंड नी ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि शोल्डर नी और फिट एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। बॉडी वेट ऑफ द बोथ लेग्स, यानी कि बॉडी वेट दोनों लेग्स पर होना चाहिए। अर्ली बैलेंस, यानी कि दोनों पर बैलेंस बराबर होने चाहिए। सेकेंड इसी में पार्ट है सिटिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर शुड नॉट बी करेक्ट, सो द नेचुरल कॉसेस शुड बी वेरिएबल ऑफ द अपर लिम्ब ऑफ द बैकबोन, यानी कि बैकबोन के आधार पर होता है। स्टेट ऑफ द अलोंग ऑफ द बैक स्टेट ऑफ चेयर, यानी कि जो बैक है वो स्टेट होनी चाहिए चेयर के ऊपर, ठीक है। हैंड शुड बी लाइन विद द हिप्स एंड शोल्डर, द थिंग्स शुड बी स्टेट लाइन और रेस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ द चेयर, लेग शुड नॉट रेस्ट वेरिएबल ऑफ द फिट, यानी कि फिट और शुड और एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टली एक्सरसाइज ऑफ द काइपोसिस, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट टाइप ऑफ द डिफॉर्मिटी ऑफ काइपोसिस, और क्वेश्चन है
वॉट डू यू मीन बाय राउंड शोल्डर? काइपोस इसको ही राउंड शोल्डर बोल देते हैं, राउंड शोल्डर अलग है, ठीक है, काइपोसिस अलग है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन है स्टडी करेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ फॉर दिस, यानी कि काइपोसिस और राउंड शोल्डर के बारे में हमें यहाँ पे एक्सरसाइज बतानी है। क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्टली एक्सरसाइज फॉर काइपोसिस एंड राउंड शोल्डर, काइपोसिस दिस इज अ प्रॉब्लम, जो काइपोसिस है, काइपोथेरेपीज कॉसिस ऑफ द कॉलर स्पॉन, कॉलर स्पॉन यानी कि जो काइपोसिस होता है वो कोबड़ होता है, ठीक है। कोबड़ होता है, जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के ऊपर ये कोबड़ होता है, पीछे की तरफ हो जाता है, ठीक है, ऑफ द स्पेन फ्रंट, यानी कि जो स्पेन बोन होती है उसके बैक साइड में ऊपर की तरफ होता है। दिस आर द कॉसेस ऑफ द बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड पोस्चर पे होता है राउंड शोल्डर। इट इज़ द पोस्चर डिफरेंट ऑफ द विच अदर शोल्डर, यानी कि राउंड शोल्डर जो शोल्डर है वो या तो हमारे फॉरवर्ड की तरफ राउंड कर जाते हैं या बैक की साइड में राउंड कर जाते हैं, ठीक है, जो फॉरवर्ड या बैंडिंग होते हैं या बैकवर्ड बैंडिंग। करेक्टली मेजर ऑफ काइपोसिस एंड राउंड शोल्डर, यानी कि जो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे हम दोनों चीज़ को ठीक कर सकते हैं। दीज आर मोस्टली बैकवर्ड, दे आर प्रोजेक्ट बैंडिंग आसन ऑफ द एक्सरसाइज, जैसे चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, बैक बैंडिंग, स्ट्रेच अप सिटअप, ठीक है, ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम आपको कल कराएंगे। थैंक यू, आज हमने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। थैंक यू टुडे, दैट्स ऑल।